मैं अभी यहाँ एम्स ऋषिकेश में हूँ और हमारे एम्स के यहाँ के डायरेक्टर रविकांत जी मेरे साथ में हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि पूज्य श्रद्धेय आचार्य बाक्षण जी की तबीयत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर के पूरे देश भर में जिन भाई बहनों भी चिंता जताई है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के जिनके मन में काफ़ी उलझन है और बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को मन में काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी हैं कि आचार्य जी कैसे हैं, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पूज्य आचार्य जी को की तबीयत के लिए जो आपने चिंता जताई उसके लिए आपको शुक्रिया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि एक सज्जन आए पतंजलि में जन्माष्टमी के अवसर पर और उन्होंने एक पेड़ा खिला दिया पूज्य आचार्य जी को, उस वजह से करीब 15-20 मिनट बाद ही पूज्य आचार्य जी को थोड़ा एक बार बेहोशी जैसी स्थिति हुई और वो फूड पॉइजनिंग जैसा पूरा होता है, उसके बाद उल्टी भी हुई और थोड़ा तबीयत ख़राब हुई, लेकिन यहाँ एम्स में हमारे रविकांत जी के सानिध्य में यहाँ के सभी सीनियर डॉक्टर्स ने सारी, यहाँ पर मैंने देखा सुपर स्पेशलिटी है और सब ने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है। अब करीब करीब 90% पूज्य आचार्य जी अच्छे हैं और रविकांत जी भी, क्योंकि आप खुद वाच कर रहे थे तो आप भी ज़रा। स्वामी रामदेव जी को प्रणाम। इस समय पर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पल्स नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, ब्लड गैसेस की रिपोर्ट नॉर्मल है, इलेक्ट्रोलाइट की रिपोर्ट नॉर्मल है, ECG नॉर्मल है, ब्लड यूरिया नॉर्मल है, सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल है, इसके अलावा MRI ब्रेन नॉर्मल है, पूरी तरह से नॉर्मल है। लगता है कि एग्जॉशन में ज़्यादा हुआ है या कोई पेड़ाला खा लिया है, उसको भी हमने टॉक्सिकोलॉजी के सैंपल के लिए भेज दिया है और सब चीज़ें पूरी तरह नियंत्रण में है। आचार्य बालकृष्ण जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन पूरी तरह स्वस्थ हैं और सारे पैरामीटर स्थिर हैं। और मैंने पूज्य आचार्य जी से अभी करीब 5 मिनट बात भी की है, थोड़ा सा अभी असर है, उससे बाहर निकल जाएंगे मुझे विश्वास है, और 2-3 घंटे लगे। सभी को प्रणाम।